सीमा रानी, आई एम बैक विद माय न्यू टॉपिक। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। सभी को अपने जीवन में ग्रोथ चाहिए। आई नीड मोर मनी, आई नीड सैलरी इंक्रीमेंट्स, आई नीड अप्रेजल्स, आई नीड बिग हाउस, आई नीड बिग कार। बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रोथ हैज टू पार्ट्स। वन इज एक्सटर्नल ग्रोथ एंड सेकेंड इज इंटरनल ग्रोथ। वी आर चेजिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सटर्नल ग्रोथ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल ग्रोथ। वी आर चेजिंग रॉन्ग टारगेट बिकॉज विदाउट पुटिंग द इनपुट हाउ कुड बी पॉसिबल टू गेट आउटपुट। जब तक हम इनपुट नहीं डालेंगे तब तक हम आउटपुट कैसे डालेंगे, और हमने अपने इनपुट्स डालने के बारे में कभी बात नहीं करी। हमने अपने आप से कभी ये लाइन नहीं पूछी कि हैव आई ग्रोथ माई माइंड सेट, हैव आई ग्रोथ माई स्किल सेट, हैव आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, हैव आई इम्प्रूव माई मैनेजरियल स्किल। बट हम हमेशा एक्सटर्नल ग्रोथ पे ही बात करते रहे। गाइस, अगर आपकी इंटरनल ग्रोथ हो रही है तो दुनिया की कोई ताकत आपको एक्सटर्नल ग्रोथ से नहीं रोक सकती। एक किसी ऑथर ने खूब ये लाइन कही है कि जीवन जीने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज दैट ए लाइफ लाइन ऑफ इम्प्रूविंग योरसेल्फ, एंड सेकेंड इज दैट ए लाइफ लाइन ऑफ प्रूविंग योरसेल्फ। कॉल आपकी है गाइस, आपको कौन सी लाइफ चूज करनी है। मैं दोनों में आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। जो लोग ये लाइफ चूज करते हैं प्रूविंग योरसेल्फ, मतलब दूसरे अपने आप को प्रूव करना दूसरे लोगों के लिए, उनका रास्ता थोड़ा सा इजी होता है, बट उनकी जो अप्रिसिएशन होती है वो फेक होती है, उनके अवार्ड होते हैं वो फेक होते हैं। बट इम्प्रूविंग योरसेल्फ वाली जो लाइफ है वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे किसी ने खूब कहा है कि अगर आप कितने भी अमीर हैं, कितने भी पावरफुल हैं, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, बट आप जिम में जाएंगे और अगर आपको अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आपको आपके पुशअप खुद ही लगाने पड़ेंगे। आपके पुशअप कोई आपका पीए नहीं लगा सकता, आपको अपने पुशअप खुद ही लगाने पड़ेंगे। तो सेम हमारे इम्प्रूविंग योरसेल्फ में जो ये है कि वो हमें खुद से ही ये सारा काम करना होगा, ना कि हम एक किसी बहुत फेमस ऑथर ने लाइन की है कि आई डोंट नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस बट आई नो दैट वेरी वेल सीक्रेट ऑफ फेलियर। सीक्रेट ऑफ फेलियर इज दैट प्लीज टू एवरीवन। अगर हम इस भागदौड़ में दुनिया के सारे लोगों को हैप्पी करने में लग जाएं, तो गाइस ये रास्ता हमें फेलियर की तरफ ले जाता है। क्योंकि जो इम्प्रूविंग योरसेल्फ और प्रूविंग योरसेल्फ में एक माइनर सा ही डिफरेंस है, क्योंकि प्रूविंग योरसेल्फ हमें जो रास्ता ले जाता है वो हम उस ट्रैप में फंसते जाते हैं, उस दलदल में फंसते जाते हैं। बट इम्प्रूविंग योरसेल्फ हमें एक हमारा जो रास्ता होता है वो स्टेयर्स की तरह काम करता है कि आज हमने एक छोटा स्टेप ले लिया, फिर नेक्स्ट डे हमने छोटा स्टेप ले लिया, तो छोटे छोटे स्टेप से हमें हमारा बड़ा गोल मिल जाता है। बट अब दूसरों को दिखाने के लिए अगर अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो गाइस वो लंबा नहीं रहता, वो टेम्परेरी ही रहता है, बिल्कुल ही टेम्परेरी रहता है। तो गाइस किसी ने खूब कहा है कि मैंने सीखा है जीने का सलीका समंदर से, मैंने सीखा है जीने का सलीका समंदर से, चुपचाप रहना और अपनी मौज में रहना। गाइस अपनी मौज में रहना, हमें किसी भी तमके, एप्रिसिएशन या अवार्ड की जरूरत नहीं है। अगर हम इंटरनल अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस के लिए काम कर रहे हैं, इनर सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो गाइस सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। आपको किसी एप्रिसिएशन, किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने लिए काम करना है। वो आपकी सेल्फ स्क्रिप्ट होनी चाहिए, ना कि रेडीमेड आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्फ इनर से जो काम निकलेगा, कोई काम को आप एंजॉय करके कर रहे हो और उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो आप, तो गाइस आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आई होप इस वीडियो में मैं आपको कवर कर आई हूँ कि हमें इंटरनल ग्रोथ पे काम करना चाहिए और एक लाइफ टाइम ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ वाली थिंकिंग में हमें जीना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।